तो दोस्तों 2020 में चल रहे एग्ज़ाम को लेकर खबर ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर बताइए कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि CFJMU की जो एग्ज़ाम थे जो चल रहे थे या होने वाले थे जो ठीक है उनको स्थगित किया गया है कि नहीं यानी कि पोस्टपोन किया गया है कि नहीं। ठीक है तो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आखिर किया गया है यानी कि स्थगित यानी कि पोस्टपोन किया गया है या नहीं। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं कि जो कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं कानपुर यूनिवर्सिटी की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया ही था कि यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग सभी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो स्थगित कर दी गई है, लेकिन फिर भी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था तो मैं आप लोगों को एक नोटिस के जरिए दिखा देता हूँ एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ रेगुलर प्राइवेट एग्जाम 2020। ठीक है तो इस पर आपको क्लिक कर देना। तो इसके लिए आपको एक PDF डाउनलोड होने के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है उसके बाद आपको PDF ओपन हो जाएगी। ठीक है PDF ओपन होने के बाद आपको पूरी जितनी भी एक्टिविटी हैं जितनी भी जो भी सूचनाएँ सब इसमें दी गई हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर क्या जो एग्ज़ाम स्थगित किए गए हैं ये कब होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस डेट से स्टार्ट होंगे और कब से कब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ साफ लिखा गया है ठीक है कि 18/3 से यानी कि 18 मार्च 2020 से 2 अप्रैल 2020 तक की बीच की जितनी भी एग्ज़ाम डेट थी यानी जो भी एग्ज़ाम था पेपर था उन सभी को स्थगित किया, उन सभी को रोका गया है और उन सभी के एग्ज़ाम को आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये आपको मैं बता दूं कि वो किस डेट को बढ़ाया गया है, कब होंगे वो एग्ज़ाम, उसकी अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन आई कि 18 से 3 तारीख के बीच में जितने भी एग्ज़ाम थे वो रोके गए हैं यानी कि पोस्टपोन किए गए हैं। ठीक है तो जैसे भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने ये भी बताया कि जैसे भी ये डेट यानी कि 2 अप्रैल से पहले आप लोगों को ये क्लियर कर दिया जाएगा ठीक है 2-3 दिन पहले कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो हैं वो कब से स्टार्ट होंगे ठीक है और किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो वो उसके लिए एक नई स्कीम जारी करेगा ठीक है जो भी है ठीक है ये आप लोगों को नई स्कीम जारी करेगा कानपुर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट आप लोगों को। तो जैसे भी आएगी नई स्कीम मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूंगा कि एग्ज़ाम की न्यू स्कीम आ चुकी है, इस डेट को ये एग्ज़ाम है और इस डेट पे है और इस टाइम पे है ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र रहिए, अब आप लोग आसानी से पढ़ाई करिए ठीक है। तो ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आसानी से सारे जितने भी इसमें निर्देश दिए गए हैं जो भी इन्फॉर्मेशन सब पढ़ लीजिएगा ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम आप लोगों के स्थगित किए गए हैं 18 से 3 अप्रैल तक ठीक है। तो आई होप सॉरी 2 अप्रैल तक ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। जिन भी स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन है जो भी क्वेरी बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।